जी What? Let me. What is the point of? Sir, why you want to create problem for me? This is the second day in a row that the house is beginning at 2:05. Although we've been sitting here, it is waiting for the house to begin at 2. The Minister for Parliamentary Affairs is also not here. The job but of ensuring minister, the sorry. Quorum is that of the government. No, sir, it is quorum. This cannot be allowed to continue like the quorum. There was no quorum. That's the reason. So you have. You have to insist that we begin at 2 o'clock. It was lack of quorum. We have to begin at 2 o'clock, sir. It was lack of quorum. Then, see, please do not announce adjourn till 2 o'clock. Please say adjourn till you have a quorum. Please see, say that. Yes. There are Ramesh. It was delayed by 5 minutes because of lack of quorum. But yes, your point is taken well. I would request the members to ensure that they are present at 2 p.m. itself, so that the house will commence on time. Yeah. No, there are other ministers. There are other ministers. I need not insist for a particular minister. I want ministers, that's all. That's all. There are ministers. Yes, yes. I said. Acha, now yesterday, who spoke last? Okay, either tak kadam ho gaya hai. Okay, so Ram Kumar Verma. Ram Kumar Verma? Yeah, but here now time will be adhered to. Ram Kumar Verma ji, your time is 10 minutes. Kahan hai Ram Kumar Verma? Ba, padho. You can start. Achha. And speak 10 minutes. ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस सदन में और राष्ट्रपति जी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर समय दिया. ये मेरे लिए पहला अवसर होगा, इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है सर. तो मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि मैडन स्पीच के रूप में इसको माना जाए. सर, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, जो शुरुआत में जिस तरह का अभिभाषण पर संयुक्त सत्र को एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र के रूप में माना गया, उस पर ये अनुरोध और निवेदन करता हूं कि निश्चित ही ये संयुक्त सत्र और संयुक्त सत्र के अंदर जो माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है वो ऐतिहासिक रहा. ऐतिहासिक इस रूप में माना गया कि आम बजट जो पहले मार्च में और इस तरह से होता था, उसको उससे पूर्व 1 फरवरी को प्रस्तुत किया और साथ में रेलवे बजट किया. निश्चित ही इस भारत सरकार के निर्णय से, नेतृत्व के निर्णय से राष्ट्रपति जी ने जो किया वो एक प्रशंसनीय इस अभिभाषण में रहा. उससे एक बजट के द्वारा जो मंत्रालयों का आकलन आवंटन होगा राशि का, समय पर होगा. दूसरा, रेलवे बजट जो अलग से पेश होता था, उसका विलय होने से निश्चित है कि उससे बहुत सारा समय जो लगता था, और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में जो भारत सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो लागू की जाती है, समय पर उनका आवंटन मिलेगा और उन्हें एक गति मिलेगी, उसमें कहीं रुकावट नहीं होगी. इसी तरह से इस बजट ये सॉरी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जनशक्ति को एक नमन किया है, और जनशक्ति को नमन करना, मैं समझता हूं कि मैं तो चूंकि सदन में मेरा पहला अवसर है, पूर्व के अध्यक्ष राष्ट्रपति जी के भाषण में या किसी भी इस तरह के अवसर पर नमन किया या नहीं किया, लेकिन इस अभिभाषण में जो नमन किया है, भारत की जनता की वो शक्ति है
उसके अंदर इतनी ताकत है और इतनी समझदार और परिपक्वता है कि उसको नमन करना अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, इसलिए किया है। और वो नमन करना कोई एक पंक्ति के द्वारा नहीं, इसके लिए मैं ये कहना चाहूं कि भारत देश की जनता साक्षरता में कम हो सकती है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, दलित है, शोषित है, और साथ साथ में एक महिला वर्ग भी उसमें इतना है कि उसके साक्षरता के रूप में पुरुषों की तुलना में कम है, लेकिन इस भोली भाली जनता के अंदर इतनी समझ है, इतनी परिपक्वता है कि उसकी ताकत से अगर कोई व्यक्ति, कोई देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर देश के हित में, जनता के हित में कार्य करता है, तो उस इस देश की जनता उसको वो समर्थन और शक्ति देती है कि जिसको नमन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। मैं इसके लिए दो उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं, समय की सीमा है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता देश के कहलाए, फादर ऑफ द नेशन। क्या महात्मा गांधी जी को जब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, देश के अंदर वो ब्रिटिश हुकूमत जो 200 वर्ष के करीब और उससे पहले भी देश गुलाम हुआ, उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी। उन्होंने सोचा था कि देश से जड़ें नहीं निकलेगी, देश हमारा रहेगा और भारत देश पर हम राज करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी को इस देश की जनता ने, उन्होंने आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, देश की जनता ने उनको साथ दिया। मैं नहीं कहता कि महात्मा गांधी जी अकेले व्यक्ति थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने देश के जनता के भाव को, देश के जनता की भाव को, विचार को, उनकी संस्कृति की धरोहर, जिनके दिल दिमाग में राष्ट्रीयता की एकता है और राष्ट्र के लिए वो समर्पित है, उसको उन्होंने पहचाना और उस जनता से उब्र उनके रूप में जिस तरह की स्थिति थी, जिसमें उधार इसमें उद्धरण भी दिया है कि चंपारण का सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष निश्चित ही चंपारण का वो, जिस दिन उन्होंने देखा कि मेरे देश की जनता गरीब है, कपड़े पहनने के लिए नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है, और ये ब्रिटिश हुकूमत में रहते हुए निश्चित है कि करोड़ों करोड़ों ये देश के गरीब जो शोषित है उनको आजादी की जरूरत है, और उनके साथ में मिले, भ्रमण किया और देश की जनता में विश्वास हुआ, उनके नेतृत्व में सबने मिलकर के आजादी दिलाई, तो वह जनशक्ति का एक परिचय था। इसी रूप में अगर ये मैं कहूं, और वो फादर ऑफ द नेशन और न केवल भारत में लेकिन विश्व में एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में उभरे कि अहिंसा के मार्ग पर चल करके और ऐसी हुकूमत को उन्होंने देश से दूर किया। इसी तरह इस अवसर पर मैं डॉक्टर अंबेडकर, भारत रत्न बीआर अंबेडकर जी का भी नाम लेना ये चाहूंगा कि उन व्यक्ति को भी इस जनशक्ति ने समझा और उन्होंने उसके दर्द को समझा। उन्होंने जिस तरह विभिन्न परिस्थितियों में, जिस विषमता में जो अध्ययन किया, जिनको भुगता कि भारत देश में विभिन्नता है, बहुत सारी विषमता है और गरीब के साथ में क्या होता है, उसको देख करके करोड़ों करोड़ों की जो पीड़ा को उन्होंने देखा, और उसी का रिजल्ट था इस देश की जनशक्ति, जो करोड़ों जो गरीब थे, जो दलित थे, उनका सबल उनको मिलकर के उन्होंने प्रण और संकल्प लिया, और उसी के कारण से उन्होंने ये भारत का एक संविधान, अनूठा संविधान दिया, जिसको आज भारत देश के अंदर नहीं विश्व में भी देखा जाता है कि भारत के संविधान के निर्माता के रूप में हम कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य सर ये है कि आज माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो ये जनशक्ति को नमन की बात है, आज ये नमन भारत सरकार और भारत सरकार के नेतृत्व के द्वारा किया गया है, उसका कारण यह है कि भारत सरकार के नेतृत्व ने जिस दिन जिस देश की बागडोर संभाली, उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं भारत का एक प्रधान सेवक के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में कार्य करूंगा, नहीं कि एक प्रधानमंत्री के रूप में। दिल और दिमाग में पीड़ा थी, दर्द था कि इस देश की जनता में वो ताकत है,
जिसने मुझे यहाँ पर भेजा है, मुझे उनका ये उदाहरण भी था, महात्मा गांधी जी को दे, डॉक्टर अम्बेडकर जी को दे, औरों को दे, और उनको ये भी मालूम था कि इस देश की अनेकता में एकता बहुत प्रखर एक अहम और भाव लोगों के अंदर बैठा है। अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो आदरणीय भारत सरकार के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को नमन करते हुए, इस संसद को नमन करते हुए, निर्धन को, गरीब को, किसान को, मजदूर को और वंचित को उन्होंने नमन किया था कि मैं आपका सेवक हूं और उस तरह के कार्य करूंगा जिससे कि देश का करोड़ों करोड़ दलित वर्ग बरसों से बहुत सारे नारे स्लोगन सुना है लेकिन कार्य नहीं हो उसका पूरा करूंगा। आदरणीय, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा, जनधन योजना एक ऐसी योजना जिसको आम आदमी से इस देश के गरीबों से जोड़ा गया और जोड़ने का निर्णय ये लिया गया कि भारत के बैंकिंग सिस्टम से दिनभर वर्ग, गरीब वर्ग, जो किसान है, जो मजदूर है, पढ़ा लिखा कम है, लेकिन भारत के 70 साल की आजादी में और बार बार मैं यूं कहूं कि बैंकिंग नेशनलाइजेशन लेकर के और बाद में अभी भी पिछले वर्षों में कुछ वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये प्रयास किया गया कि देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम को लोग जाने, लोग पहचाने और इस तरह की उन्होंने पहल की और जनता के द्वार भी गए, आउटरीच के प्रोग्राम किए गए, फाइनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूजन की बात की गई, लेकिन उतना सफल नहीं हुआ। लेकिन भारत के सरकार के नेतृत्व ने आह्वान किया जनधन योजना, जो बरसों से और बैंकिंग सिस्टम से लोग नहीं मुड़ रहे थे, उस योजना में आह्वान के साथ में ये एक गर्व की बात है कि 26 करोड़ से अधिक लोगों ने खाते खुलवाए और इतना ही नहीं 13 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा जो जनकल्याणकारी योजनाएं थी उनसे जोड़ा गया और 47,000 करोड़ उन खातों के अंदर अमाउंट आया गया। ये एक छोटी सी बात नहीं थी। जब जनधन योजना की बात आई तब ये एक कल्पना के रूप में और इस तरह का लोगों ने एक रूमर भी फैलाया था डिप्टी चेयरमैन सर, किस देश में जो गरीब है ये है, जनधन के अकाउंट खोले जाएंगे। सर मेरे को 10 मिनट दिया, फर्स्ट है सर, फर्स्ट, अच्छा 10 मिनट हो, यस सर, मैडम स्पीच, मैडम स्पीच का थोड़ा, मैडम स्पीच, मैं ये कहना चाहूंगा संक्षिप्त में सर, मुझे थोड़ा प्लीज, यू मेड योर मैडम स्पीच ऑन, मैं कहूंगा कि जो योजनाएं होंगी और आप जो कल्याणकारी योजना, वर्मा जी जी, यू मेड योर मैडम स्पीच ऑन 2816 सर, 2816 को तो एक हल्का सा वो 3 मिनट का कुछ, व्हाट कैन आई डू, 3 मिनट का, व्हाट कैन आई डू, सो यू टेक टू मोर मिनट्स, ओके 5 मिनट सर दीजिए, ओके टेक टू मोर, मैं निवेदन ये करना चाह रहा था सर, आज इस तरह का जो जनधन योजना के द्वारा और उज्ज्वला योजना का जो कार्यक्रम हुआ उससे ये सिद्ध किया कि भारत की जनता में कितनी क्षमता है दान करने की और प्रवृत्ति है देश को सुधारने की। भारत के नेतृत्व आने किया और सब्सिडी के बारे में जो मैं समझता हूं कि गरीब ये सपने में नहीं सोचता था, इसका भुक्तभोगी मैं भी हूं। 1985 में जब मेरे चूल्हा जलता था और मैं सोचता था कि मेरे को गैस कैसे मिलेगी, लेकिन उस समय ये देखा जाता है कि 20,000 रुपए होंगे तो गैस मिलेगी, लेकिन मुझे ये कहते हुए भी बहुत खुशी होती है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी कि देश में 1.2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और 1.5 करोड़ ऐसे लोग जो सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमें कभी गैस का चूल्हा और धुआं रहित होगा, इस तरह का मिला। स्वच्छ भारत अभियान की मैं याद बात करना चाहूं, लोगों ने जन आंदोलन किया, स्वच्छता की बात करी थी, सोचा था कि अरे स्वच्छ भारत कहां करने चले, लेकिन आज ये अच्छा लगता है कि आज 1,40,000 गांवों में, 4.5 से ज्यादा शहरों में, 77 जिलों में, 7 राज्यों ने अपने क्षेत्र को खुले शौच से उन्होंने मुक्त कर दिया, ये घोषित किया गया। इसी के साथ मैं आदरणीय मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को जिस तरह से किया गया, ये डिमोनेटाइजेशन भारत के उन करोड़ों करोड़ों गरीबों के लिए था, उन शोषित वर्ग के लिए था, किसानों के लिए था, मजदूर वर्ग के लिए था, जिन
दो नंबर के काला धंधे करने वालों ने देश में इस तरह का माहौल पैदा कर दिया, भ्रष्टाचार शर्म सीमा पर पहुंच चुका था और गरीब व्यक्ति जो इस मेहनत कश व्यक्ति था उसको न्याय और नहीं मिल रहा था, उसकी मेहनत की कमाई को काले धन दो नंबर के करते, उससे निश्चित ही है कि काला धन पर रोक लगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगी, जाली नोटों पर रोक लगी, आतंकवाद को और हवाला मार्केट को बहुत बड़ी बुराई का हुआ। इस तरह के जो ये अभूतपूर्व जो निर्णय हुए भारत सरकार के द्वारा, उनके नेतृत्व के द्वारा, जिन्हें मैं कहता हूँ कि दलित समाज की बातें हम बहुत करते हैं सर, लेकिन पीड़ा डिप्टी चेयरमैन सर, दलित समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का रिजर्वेशन हो और आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो, रिजर्वेशन की पहल की गई लेकिन इम्प्लीमेंट 70 साल तक नहीं हुआ, लेकिन आज भारत सरकार के नेतृत्व ने यह किया, व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा, और जब आर्थिक विकास के लिए इस तरह की जनकल्याणकारी योजनाएं, विभिन्न योजनाएं, मैं कहता हूं कि 84 योजनाओं में से 50% से ज्यादा, चाहे वो स्टैंडअप हो, मुद्रा बैंकिंग हो, चाहे वो स्टार्टअप वाली योजना हो, तो ग्राम ज्योति योजना है प्रधानमंत्री की किसानों के लिए है, उससे आज उनको राहत और आशा मिली है कि इस देश के अंदर ऐसा नेतृत्व आया है जो गरीबों का मसीहा होगा, गरीबों की सुनेगा। मैं आपको धन्यवाद देते हुए और माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण पर इस पर मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। या